हेलो नमस्कार, मैं नील अग्रवाल और आज हम हैं गवर्नमेंट स्कूल देवदान डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा की लैब में। और जैसा हमने प्रैक्टिकल सेटअप लगा रखे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है सभी को, तो एक्सपेरिमेंट की बात हम कर रहे हैं इसमें। आज जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, प्रतिरोधों की श्रेणीक्रम संयोजन का सत्यापन करना। श्रेणीक्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो वायर है उनको अगर श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जाए तारों को, तो फिर उसमें उसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। और जैसा थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि श्रेणीक्रम में R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होते हैं, समांतर क्रम में वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री होते हैं, वैसे ही हम इसमें प्रूफ करके दिखाएंगे कि अलग अलग जब हम वायर से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं आर की वैल्यू, तो फिर उनको अलग अलग वैसे जोड़ दें, और प्रैक्टिकली जब हम उनको जोड़ के और फिर करें, तो इसके लिए हमारे पास दो तार हैं। मीटर सेतु की सहायता से ये प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग हमने पहले वीडियोस का अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको ये प्रैक्टिकल्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये मीटर सेतु की सहायता से तार का प्रतिरोध ज्ञात करना वो हमने किया था। प्रयोग उसी तरह से करना है, फिर भी हम पूरा डिस्कस करेंगे इसको दोबारा, कैसे करना है कैसे लिखना है। तो इससे हम क्या सिद्ध करेंगे, मीटर सेतु के द्वारा प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करना। नियम क्या है कि R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, यानी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, अगर एक तार का प्रतिरोध दो ओम है दूसरे का तीन ओम है श्रेणीक्रम में जुड़े हैं तो रिजल्ट क्या होगा, दो प्लस तीन पांच ओम। वो हम इसमें सिद्ध करके दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल से भी वैसा ही होता है जैसा थ्योरी से होता है। तो उसके लिए देखो, आपके पास हमारे पास एपरेटस है, ये मीटर सेतु है, एक लकड़ी का बोर्ड है जिस पर एक मीटर लंबाई का 100 सेंटीमीटर लंबाई का स्केल लगा है, इसके ऊपर यहाँ डिजिट्स दिखाई दे रही हैं सभी को, इसके ऊपर और नीचे ये पैमाना बना हुआ है, 0 से 100 इधर है और 0 से 100 इधर है, ये किस में है, सेंटीमीटर्स में। ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें प्रतिरोध लगे हैं, यहाँ से हम प्रतिरोध लेते हैं, प्रतिरोध जितना भी चाहिए कैसे निकालते हैं, अगर एक ओम का प्रतिरोध निकालना है तो एक ओम की देखो यहाँ लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ओम की निकाल लो। जब दो ओम का निकालना है तो आप क्या करो, एक ओम को बंद कर दो, दो ओम का ओम ये रेजिस्टेंस जो की है वो निकाल लो। तो अब ये दो ओम का प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है और ये नीचे सीरीज में है, तो सिंपल सा मेथड है कि जितने निकालने हैं उतना आप टोटल करते रहो। तीन ओम का निकालना है तो क्या करो, एक और दो निकाल लें, तीन ओम हो गया। अगर हमें चार निकालना है तो एक को बंद कर दो, दो इधर एक और है दो ओम, दो और दो निकाल दो। पांच का निकालना है तो दो प्लस एक, इन तीनों को निकाल लें, या सभी को तीन बंद कर दो और पांच की एक अकेली की है इधर दिखाई दे रही है तो अकेला पांच ही निकाल लें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसा हमें रेजिस्टेंस चाहिए वैसा इसमें से निकालते हैं। ये सर्किट है, सर्किट में मीटर सेतु का एक जो वायर है उसको की से जोड़ा गया है, ऑन ऑफ करने के लिए की है, जब इसको निकाल लेते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता और जब लगा देते हैं तो फ्लो हो जाता है। इधर बात करें तो इधर ये आगे बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी का नेक्स्ट कॉर्नर फिर इस पेज से जोड़ा गया है। तो ये तो है इसका सर्किट, यहाँ दो पेज लगे हैं, इन यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा गया है, यहाँ धारावापी को जोड़ा गया है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को आगे कनेक्शन किया गया है इस जोकी से, इस जोकी को हमें तार पे चलाना है, जब चलाएंगे तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, सुई दिखाई दे रही होगी हिलती हुई, तो और इसकी बैलेंसिंग कंडीशन हमें ज्ञात करनी है। जब इसमें एक कॉर्नर पे लगाते हैं तो एक तरफ विक्षेप आता है, जैसे इधर लगा दिया मैंने एक कॉर्नर पे तो एक तरफ विक्षेप आ रहा है, दूसरी तरफ लगाऊंगा तो दूसरी तरफ विक्षेप जा रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि इसमें जो करंट है उसके लिए इस पर एक बैलेंसिंग पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है इस तार पे जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा, संतुलन की अवस्था होगी जो थ्योरी में पढ़ते हैं, कि जिस पर इसमें विक्षेप जीरो होगा यानी करंट प्रवाहित होना बंद हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से, उसी विक्षेप की स्थिति को हम निकालते हैं और उसी से प्रतिरोध निकाला जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन क्या है। तो दो तार है अपने पास, एक तार हमने पहले से लगा रखी है इसके अंदर और दूसरी तार मेरे पास है मेरे हाथ में। एक तार ये है अपने पास जो लगी हुई है और एक तार ये है दूसरे हाथ में मेरे। हम श्रेणीक्रम में निकालते हैं तो पहले तो एक तार के लिए प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे, फिर इसको खोल के रख देंगे और दूसरे का निकाल लेंगे।
फिर इसको श्रेणीक्रम में जोड़ना है, वो कैसे जोड़ना है वो हम अभी बात करते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, इसको लिखना कैसे है, फिर इसकी रीडिंग लेते हैं। ये मैं फाइल से बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक जो बच्चों ने बना रखी है उसी के अकॉर्डिंग। अपने पास यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है आपको, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 जो भी आपका है, उद्देश्य लिखना है, उपकरण लिखने हैं, सिद्धांत लिखने हैं, सिद्धांत के अकॉर्डिंग मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग एस इज इक्वल टू 100 - L / L (R), ये फॉर्मूला प्राप्त होते हैं। एल संतुलित लंबाई होती है, आर इस प्रतिरोध बॉक्स से लिया गया प्रतिरोध होता है, एस जो मान आएगा तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है वो है। श्रेणीक्रम में क्या होता है, एस इज इक्वल टू S1 + S2 ये होता है। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आर तो ले रखा हमने, प्रतिरोध बॉक्स से लिया गया प्रतिरोध, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। व्हाइट पेज पे आपको डायग्राम बनाना है, सिस्टमेटिक डायग्राम इस फाइल में लिखा नहीं है, लेकिन आपको आरबी का मतलब क्या है वो लिखना है, जी का मतलब धारा मापी है वो लिखना है, S1 S2 का मतलब क्या है, दी गई तार है प्रतिरोध तार वो लिखना है, जी का या जे का मतलब जो कि है वो लिखना है, सब चीजें यहाँ नामांकित करना है। इसके बाद फर्स्ट पेज पे इतना काम करना आपको, सेकेंड पेज पर आप बनाएंगे S1 तार के लिए, पहले हम S1 तार के लिए सारणी बनाएंगे, फिर हम S2 तार के लिए बनाएंगे, और फिर हम उनका अंतर सारणी बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसकी रीडिंग कैसी लेनी है। जैसे ये फाइल भी दिखाई दे रहा है आप सभी को, इसके अंदर पहले हम S1 तार के लिए सारणी बनाएंगे, ठीक है। सारणी में आपको बुक्स में पता चल जाएगा बनाने किस तरह से, इस तरह से बना ले आप। विवरण में S1 तार के लिए क्रम संख्या, फिर प्रतिरोध बॉक्स से लिया गया प्रतिरोध, जो हमें प्रतिरोध बॉक्स से लेना है 1 ओम 2 हम अभी रीडिंग लेके देखेंगे कैसे लेना है, मीटर सेतु पर तार पर संतुलित लंबाई, और फिर बस इतना ही है काम। लैब में अपने पास इतना ही काम है, एल तक एल निकाल लेंगे तो 100 - L निकालना, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है 100 - L, तो 100 में से घटा देंगे, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अपने को 2 रीडिंग लेनी है, फिर दोनों का माध्य निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, वो यहाँ लिख देंगे। इधर कैलकुलेशन में भी साथ में ही देख लें कि यहाँ हमारे पास 2 प्रेक्षण है, 2 रीडिंग ली है, पहले प्रेक्षण के लिए एल की वैल्यू है, फिर 100 - L निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है, S1 = 100 - L / L (R), एल को L1 नाम दे दिया, वैल्यू रख दी सारी, कैलकुलेशन कर ली, आंसर आ गया। ये आंसर लिखना है यहाँ, यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, फॉर्मूला नहीं लिखना है यहाँ आपको, केवल टेबल जो है वो साफ सुथरी बनानी है, उसमें केवल रिजल्ट लिखना है। इसी तरह से दूसरी रीडिंग के लिए लिखोगे, द्वितीय प्रेक्षण के लिए फॉर सेकंड रीडिंग, L1 की वैल्यू 100 - L1, R की वैल्यू 2 ओम ले ली हमने, अज्ञात प्रतिरोध S1 का मान आ गया, ये फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू रख दी, सोल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या करना है, S1 + S2 / 2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 0.88 पहली वैल्यू है, 1.17 दूसरी वैल्यू है, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 1.02। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई 1.02। कहाँ थे, यहाँ थे ना, कब चल, तो माध्य जो है वो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। इसमें केवल माध्य एक ही जगह लिखना है, ये नहीं कि 2 बार लिख दें, एक ही जगह लिखना है केवल। तो ये तो सारणी बनाने का तरीका है, ऐसे बनानी है। फिर हम दूसरी तार लेंगे, तब क्या करेंगे, इस तार को हटा देंगे हम, इस तार को यहां से खोल देंगे, और जो दूसरा टुकड़ा है जिसकी लंबाई अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसको लगा देंगे हम यहाँ। इसके लिए पेज एंड पेज को खोल देंगे, ये खुल जाएगा, फिर ये लगा देंगे, अभी दोनों के लिए काम करेंगे हम अलग अलग। फिर उसके लिए भी ये 1 ओम के लिए रीडिंग ले लो, 2 ओम के लिए, वैल्यू वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी 2 वैल्यू पे इसको सोल्व कर लो, दोनों मान आ जाएंगे, माध्य निकाल लो। इधर आपको कैलकुलेशन करनी है, पुरानी हो तो दूसरे में ले जाए। फिर क्या करना है, फिर तीसरी काम करना है इनको श्रेणीक्रम में जोड़ने पर, वो कैसे जोड़ेंगे वो अभी बात करेंगे प्रैक्टिकल में। तो दोनों को जोड़ने पर फिर वही टेबल बनानी है, फिर वही 2 रीडिंग, 1 और 2, 1 ओम के लिए, 2 ओम के लिए, एल का मान निकाल लो, 100 में से घटा दो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, गुणा भाग कर लो, सोल्व कर लो। तो ये जो मान आता है, ये जो मान आया वो तो आया प्रैक्टिकल से, हमने प्रैक्टिकल से किया, वो मान आ गया कि हमने श्रेणीक्रम में जोड़ा और उसका रिजल्ट आ गया। अब अगर हम ये प्रैक्टिकल बिना किए, श्रेणीक्रम में नहीं जोड़े और डायरेक्ट सूत्र से जोड़े, तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, दोनों को जोड़े तो दोनों का जोड़ होना चाहिए, S1 + S2 हम जानते हैं ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल से ये मान आया, 2 मान आ गए अलग अलग। तो जो प्रैक्टिकल से आता है उसको प्रायोगिक मान कहते हैं, और जो सूत्र से आता है उसको सैद्धांतिक मान कहते हैं। तो ये तो प्रयोग से आ गया, सूत्र से आता तो हम डायरेक्ट जोड़ते, तो ये आ रहा है 1.75।
तो हमें फिर क्या निकालना है, प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान में अंतर निकालना है। इसके लिए हमें अंतर सारणी और बनानी है इसके अंदर। तो प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन ले रहे हैं, समांतर क्रम का अलग प्रयोग करना है, तब उसमें इतना ही चेंज होगा, श्रेणी की जगह समांतर क्रम, तार को जोड़ने का तरीका अलग होगा, वो हम जोड़ लेंगे। फिर प्रायोगिक मान लिखना है जो प्रैक्टिकल से आया, किससे, सारणी से आया वो। सैद्धांतिक मान कौन सा, जो सूत्र से डायरेक्ट जोड़े हम, टेबल नंबर एक का रिजल्ट और टेबल नंबर दो का रिजल्ट को डायरेक्ट जोड़ दें तो वो सूत्र से है, वो सैद्धांतिक मान है, वो यहाँ है। फिर इनका अंतर, अंतर आ रहा है इनका, वैसे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत इनका अंतर आ सकता है। तो अंतर क्यों आता है, क्योंकि हम यहाँ जो जोड़ते हैं तारों को, नॉर्मली तो शोल्डरिंग करके जोड़ना चाहिए इसको, इसके आगे शोल्डरिंग कर दो, लेकिन हम क्या करते हैं, पेच कोन के लपेट देते हैं। एक्चुअल में जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई नहीं रहती, चेंज हो जाती है, इसीलिए रिजल्ट में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, और वो चेंज प्रायोगिक सीमा में है, लिमिट में, कि प्रैक्टिकल में इतना थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है वो आ सकता है, अंतर आ सकता है। इसीलिए सिद्ध क्या हो जाता है कि जो प्रैक्टिकल से आनी चाहिए थी बात वही हमें प्राप्त हुई है, तो श्रेणीक्रम नियमों का यहाँ सत्यापन हो जाता है। वो तो बात हमने की थी कि फाइल में कैसे आपको करना है साथ साथ, अब बात करते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। सेटअप हमने देख लिया पहले, एक तारा भाई यहाँ लगी हुई है, अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें रीडिंग लेनी है। पहले तो एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए आप जब इसके एक तरफ ये लगाएंगे जो कि तार पे, तो एक तरफ विक्षेप आएगा, और जब दूसरी तरफ लगाएंगे तो दूसरी तरफ विक्षेप आएगा, जब हम इधर लगाएंगे तो दूसरी तरफ विक्षेप आएगा, आ रहा है। इसका मतलब संतुलित लंबाई हमें ज्ञात करनी है, संतुलन बिंदु इस तार पे बीच में कहीं ना कहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक ओम के लिए हमने निकाल ली, ये निडल निकाल दी एक ओम की। अब हम इस तार पे जिधर प्रतिरोध बॉक्स लगा उधर से चलाना इसको शुरू करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे सुई जो है मूव करना शुरू कर देगी, और एक समय ऐसा आएगा जो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि वो जीरो पर आ जाएगी, और हम इसमें चलते रहेंगे, जीरो पे आते ही हम इसको रुक जाएंगे। यह है इसकी संतुलन की अवस्था। और अब आप हम इधर से चल रहे हैं तो इधर से बढ़ता हुआ मान नोट कर लो, ये देखो 45, 50, 55, 60, 65, 70, और ये 75.5 के समथिंग आ रहे हैं। तो ये हो गया किसका मान, L1 का मान, लंबाई आ गई इसकी 75.5। तो ये जो फाइल है मेरे पास जो बनी हुई है, इसमें पहले एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसमें हम क्या लिखेंगे, एक ओम, यहाँ लिख देंगे 75.5, उसको 100 में से घटा दोगे, गुणा भागा, आपको इधर व्हाइट पेपर पे करने है कैलकुलेशन में, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे, क्लियर। ये हो गई एक रीडिंग। अब दूसरी रीडिंग लेनी है तो क्या करेंगे, इस एक ओम वाली की को हम चाहे तो वापिस लगा दें और दो ओम वाली की को निकाल दें, सॉरी पहले ही दो ओम की निकाल रखी थी हमने, तो अब दो ओम पे ले लिया मान हमने, तो हम तीन ओम ले लें, एक ओम और निकाल दें, तो वो कोई जरूरी नहीं है एक ओम दो ओम पे लेना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे हमने दो ओम पे ली थी तो हम और वैल्यू बढ़ा के ले लें, तीन ओम पे, तीन ओम पे लेंगे तो हमें पता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होते हैं, तो प्रतिरोध बढ़ा दिया तो लंबाई भी बढ़ेगी, पहले 75 पे थी अब रिजल्ट 75 से आगे जाएंगे, तो जैसे ये आ गया यहाँ शून्य पर मान, तो ये आ गया 81 के समथिंग आ गया, 81.1 है, तो यहाँ लिख देंगे हम तीन ओम, यहाँ लिख देंगे 81.2, और यहाँ जो 100 में से घटा के आएगा यहाँ कैलकुलेशन करेंगे उसका उत्तर लिख देंगे यहाँ, फिर दोनों का माध्य निकाल देंगे उसका उत्तर लिख देंगे यहाँ, एक टेबल कंप्लीट और एक तार का काम कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तार को खोल देना है, खोल दिए, और अब लगा देंगे दूसरा तार, इसको रख देंगे, ये S1 तार का काम हो गया कंप्लीट, दूसरा तार लगा देंगे, यहां एक बार लपेट दें इसे, और फिर इसे ये S2 तार लग गया। S2 तार के लिए दूसरी सारणी बनानी है, वही क्रम संख्या, प्रतिरोध बॉक्स लिया गया, प्रतिरोध संतुलित लंबाई 100-L, ये किताबों में सब दे रखा है, उसको देख के आप बना ले। अब फिर वही एक ओम के लिए निकाल लो दो ओम के लिए, अब हमने निकाल लिया एक ओम निकाल रखे हैं कि एक ओम से निकाल रखी है, इसके लिए फिर वही तार पे संतुलित लंबाई नोट कर लेंगे, चलेंगे जीरो पे विक्षेप लाएंगे, वैल्यू आ गई इसकी 73 के समथिंग आ गई, 72.5 के समथिंग है, जो भी वैल्यू आपको एग्जैक्ट लिखनी है, ऐसा नहीं है अभी 72.5
फाइव आ रही है तो 73 लिख दें, कैलकुलेशन में इजी रहेगी, ऐसा नहीं करना है। आपको जो एग्जैक्ट आ रही है वो ही लिखनी है, ठीक है। ये नोट कर लेंगे, कैलकुलेशन इधर कर लेंगे, यहाँ रिजल्ट लिख देंगे, सेम प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, एक ओम निकाल लेंगे और एक ओम को बंद कर देंगे और दो ओम खोल देंगे, तो दो ओम का प्रतिरोध लग गया। अब प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो पिछले से मान ज्यादा ही आएगा और आना भी चाहिए। तो यहाँ ये माना गया 85 के समथिंग, 85 नोट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, मान निकाल लेंगे, दूसरी सारणी बन गई। अब आते हैं श्रेणी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण काम, कैसे जोड़ना। जिसको ये प्रयोग समझ में आ जाएगा उसको समांतर क्रम का भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमें ऐसे ही करना है, उसके अंदर भी कोई अलग चीज नहीं है, ऐसे ही करना है वो भी हमें। तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है वो देखते हैं। अब इसका एक साइड का पेज खोल लेंगे हम और इस तार को खोल लेंगे। खोल लिया। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, जैसे चेन होती है, पायल होती है, पाजीब होती है, जिनमें कड़ियां आगे से आगे जुड़ी रहती हैं, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी ये सिस्टम होता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे के पहले सिरे से हमें जोड़ना है, ऐसे करना है। तो एक तो ये तार है और एक ये तार अपने पास, दूसरी तार ये है, दूसरी तार ये है। तो क्या करना है, इसका अगला सिरा इसके पहले सिरे से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है इसको, इस तरह से। अब अपने पास कोई शोल्डरिंग आयरन नहीं है लैब में, तो और उसका यूज भी नहीं करना होता नॉर्मली 12th के प्रैक्टिकल में। तो अब हमने क्या किया, एक के ऊपर दूसरी को लपेट दिया, लपेट दिया, तो रियल में जितनी लंबाई होनी चाहिए थी उससे थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए ये त्रुटि इसके अंदर आती है। और ये इतनी त्रुटि जो है वो प्रायोगिक सीमा में है। सीमा का मतलब ये है कि दो ओम आ रहा था रिजल्ट, इसमें 2.25 ओम आ गया, तो इतनी तो थोड़ी बहुत हो सकती है। 2 ओम आ रहा है दूसरे का, 10 ओम आ रहा है, तो वो इसका मतलब वो प्रैक्टिकल गलत है, सही नहीं है। अब इसको दूसरा सिरा जो है वो हम इसको यहाँ जोड़ देंगे ऐसे। अब इसमें भी हम लपेटते हैं तो ध्यान नहीं रहता भाई, किसी में तो थोड़ा लपेट दिया, किसी में ज्यादा लपेट दिया, तो यहाँ पर भी लेंथ में थोड़ा डिफरेंस, एक्चुअल में जितना होता है उतना नहीं रहता, चेंज हो जाता है। ये जुड़ गया श्रेणी क्रम से, ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब सेम वही प्रोसीजर है, हेडिंग वो अपने पास S1 व S2 के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सारणी वही बनानी है, वही 1 ओम 2 ओम कितना भी ले लो, चाहे 2-3 ओम ले लो, कितना भी ले लो, दो रीडिंग लेनी है हमें 1 ओम और 2 ओम के लिए। तो 1 ओम के लिए 1 ओम की की निकाल लो, 1 ओम की निकाल ली। अब इस पे मान नोट कर लो, यहां से देख लो 0 पे इसका मान आ गया, जैसे मान आ गया 0, ये कहाँ रहा है, यहाँ रहा है, यहाँ ये इसको आपको एग्जैक्ट 0 पे करना है, यहाँ आ गया। तो ये लगभग 55 के समथिंग आ रहा है, 55 के समथिंग आ रहा है, 51 सॉरी 51 के समथिंग आ रहा है। तो 51 इसका मान लिख देंगे हम, 51 फिर 100 में से घटा देंगे 49, कैलकुलेशन करना इधर और इसका उत्तर लिखना इधर, क्लियर। दूसरा रीडिंग ले लेंगे, 2 ओम के लिए ले ली हमने रीडिंग, थोड़ा सा बढ़ गया है इसकी रीडिंग, 51 आ रहा था, 51 से ज़्यादा आएगी, ये आ गई यहाँ, इसका मान आ रहा है 64.3 के समथिंग, तो वो लिख देंगे 64.3, 100 में से घटा दो, कैलकुलेशन इधर, रिजल्ट यहाँ टेबल के अंदर। अब दोनों का माध्य निकाल देंगे, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है कि हमने S1 तार के लिए कैलकुलेशन कर ली, ये मान आ गया, S2 की कर ली प्रयोग से, ये आ गया, दोनों को जोड़ा श्रेणी क्रम में तो प्रयोग से ये आ गया। ये तो प्रैक्टिकली होता है, थ्योरेटिकली जो हम फॉर्मूला प्रूफ किया हमने वो होता है S=S1+S2। तो रियल में किसके बराबर आना चाहिए, जो प्रयोग किया उसका मान थ्योरी के रिजल्ट को मैच करना चाहिए। थ्योरी के रिजल्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1.02.73, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये मान आ गया। अब प्रैक्टिकल में क्या आ रहा है, 2.09 आ रहा है, तो हमें क्या बताना है, हमें लास्ट में ये बात बतानी है कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर बताना है कि अंतर इन्हें बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर तो जैसे हमने प्रोसेस किया उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन या तुल्य प्रतिरोध का मान प्रयोग प्रायोगिक मान लिख दिया हमने, सैद्धांतिक मान लिख दिया और फिर उसका अंतर लिख दिया, इतना अंतर जो है वो इसके अंदर आ सकता है। फिर आपको परिणाम में क्या लिखना है, परिणाम में कोई रिजल्ट वो नहीं लिखना है, वैल्यूज परिणाम में इसमें केवल ये लिखना है कि दिए गए प्रतिरोधों के तारों की श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध प्रायोगिक व सैद्धांतिक मानों का अंतर अल्प है और यह त्रुटि प्रायोगिक सीमा में है,
अतः प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के नियम का सत्यापन होता है। बस बाकी दो तीन सावधानियां कोई भी लिख दो, पेज कैसे होने चाहिए और प्रयोग करते समय ही कुंजी लगानी चाहिए, फिर निकाल देनी चाहिए, प्रयोग के बाद में सेल निकाल देनी चाहिए, सारे संयोजन कैसे होने चाहिए, तारों को रेगमाल से साफ कर लेना चाहिए। सावधानियां नॉर्मल है, इनको रट्टे मारने की नकल करके लिखने की जरूरत नहीं है कभी भी, आप हमेशा नॉर्मल सावधानियों का यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। ये इसका प्रायोगिक सेटअप है। समांतर क्रम संयोजन भी इसी तरह से करना है, केवल ये जोड़ने का तरीका अलग होगा, उसकी हम अलग चर्चा करेंगे, अलग प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। तो इस तरह से आप लिखने का तरीका भी समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल लैब में कैसे करना है। अगर मान लो किसी स्कूल में टीचर नहीं है तो आप खुद भी इनको देख के, वायरिंग को देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके अंदर इजी वे में आप काम कर सकते हैं। तो इसको सीख लें, कैसा लगा ये बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है उसको लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और जो भी 12th क्लास का सिलेबस है उसे जुड़े रहें। कंटिन्यू हम थ्योरी का और प्रैक्टिकल का सारा सिलेबस पूरा करेंगे, तो आपको टाइम टू टाइम इसकी वीडियो जो है वो अपडेट होती रहेंगी, और देखते रहें सिलेबस कंप्लीट करें। बाकी बातें बाकी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में और नेक्स्ट थ्योरी क्लास में।